औरंगाबाद जिले में देव कार्तिक छठ मेले का उद्घाटन हुआ। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री आलोक कुमार मेहता ने देवगढ़ किले के निकट मेले का उद्घाटन किया और कहा कि मैं आश्वासन नहीं देता हूं, मैं कार्य करता हूं। बताते चले कि औरंगाबाद जिले की देव स्थित कार्तिक छठ मेले के दूसरे दिन किंकर नाट्य कला मंच पर देव मेला 2022 का उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सदर विधायक आनंद शंकर, गो विधायक भीम कुमार, नवीनगर विधायक डब्लू सिंह, जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और एसपी कांतेश कुमार मिश्रा उपस्थित थे। मंच का संचालन हेरम मिश्रा ने किया। प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के छात्राओं द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने देव में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की, साथ ही देव के चारों ओर रिंग रोड की मांग की और अतिथियों के लिए अतिथि भवन सहित राजकीय मेला का दर्जा का मांग किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देव के विकास के लिए एक विशेष प्लान की जरूरत है जिसको बनाना चाहिए। वहीं मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि मैं काज करने में भरोसा रखता हूं, विश्वास रखता हूं, मैं कोई आश्वासन नहीं देता हूं। इस दौरान राजद जिला अध्यक्ष सुरेश मेहता, मनीष कुमार मेहता, जदयू जिला अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिला पार्षद शशिभूषण शर्मा, एसपी, डीएम एवं पूर्व जिला पार्षद चेयरमैन प्रतिनिधि संजय यादव, जिला पार्षद अनिल, उपेंद्र, सुबोध, उदय, संतोष, रमेश यादव, सुनील, चंदन आदि उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट। जिसे हम धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान का दर्जा देते हैं, उनसे हमें प्राप्त होता है। तो किसी भी तरफ से टेस्ट कर लीजिए, इस बात में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा कल्याणकारी शरीर में विटामिन डी मिल रहा है और शरीर के रोग समाप्त हो रहे हैं, तो इसे हम शरीर के मामले में कल्याणकारी ही कहेंगे। और दुनिया को प्रकाश मिल रहा है कि तमाम चीजें उस ऊपर वाले के द्वारा बनाए गए स्रोत से जो दुनिया को मिल रहा है, उसकी पूजा सिर्फ और सिर्फ बिहार और यूपी के अंदर शुरुआत बिहार से ही हुई है। छठ पर्व के लोग मनाते हैं। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।